दोस्तों यू कैन अर्न यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए दबाएं सब्सक्राइब का बटन और घंटी का बटन जरूर दबाएं। नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल में। आज मैं इस वीडियो में एक बेहतरीन अपडेट लेके आया हूं जो पंचायत सहायक अकाउंटेंट कम डेटा एंट्री ऑपरेटर के बारे में है। दोस्तों जैसा कि आपको पता होगा, उत्तर प्रदेश के सभी ग्राम पंचायतों में ग्राम सचिवालय की स्थापना किए जाने का प्रावधान है। उस प्रावधान को हम लोग जानेंगे इस शासनादेश के माध्यम से, क्योंकि मेरे बहुत सारे भाई बहन शासनादेश का इंतजार करते रहते हैं। इस शासनादेश की कॉपी भी मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहाँ जाकर आप लोग शासनादेश को डिटेल में पढ़ सकते हैं। तो दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं, उम्मीद करूंगा ये वीडियो आप लोगों को पसंद आएगी। वीडियो को अंत तक जरूर देखिए दोस्तों। तो दोस्तों वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों प्रेषक निदेशक पंचायती राज उत्तर प्रदेश। दोस्तों मैं शासनादेश पढ़ के आपको डिटेल बता रहा हूँ और इसमें मैं आपको एक संलग्नक भी दिखाऊंगा जो 25 जुलाई को शासनादेश जारी हुआ था, उसमें जो आवेदन पत्र अटैच किया गया था, संलग्न किया गया था, उसको अपडेट करके बनाया गया, यानी संशोधन किया गया है। प्रेषक निदेशक पंचायती राज उत्तर प्रदेश, सेवा में समस्त जिलाधिकारी उत्तर प्रदेश और समस्त जिला पंचायत राज अधिकारी उत्तर प्रदेश। दोस्तों डायरेक्टर पंचायती राज उत्तर प्रदेश के द्वारा ये लेटर सभी जिलाधिकारी, सभी डीएम और सभी डीपीआरओ को सेंड किया गया है। दोस्तों लेटर संख्या जो है वो ये है कि संख्या 8/425/2021 8/203/2021 लखनऊ। ये दोस्तों दिनांक 29 जुलाई 2021 को शासनादेश जारी किया गया है। विषय है ग्राम पंचायतों में ग्राम सचिवालय की स्थापना विषयक। महोदय उपयुक्त विषयक पंचायती राज अनुभाग 3 उत्तर प्रदेश शासन के शासनादेश संख्या 42/2021 1235/33/3/2021 9/89/2021 दिनांक 25 जुलाई 2021 का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें। उक्त प्रत से ग्राम पंचायतों में पंचायत सहायक अकाउंटेंट कम डेटा एंट्री ऑपरेटर के चयन की प्रक्रिया निर्धारित करते हुए आवेदन पत्र का प्रारूप संलग्न कर प्रेषित किया गया है। दोस्तों इस शासनादेश से साफ साफ पता चल रहा है कि नीचे आपको आवेदन पत्र का संलग्न प्रारूप दिखेगा जो संशोधित प्रारूप है। जो 25 जुलाई के नोटिफिकेशन में मैंने एक वीडियो के माध्यम से आपको दिखाया था वो नहीं है, बिल्कुल उसे चेंज कर दिया गया है। जी हाँ दोस्तों, तो वीडियो में हम लोग आगे चलते हैं। दोस्तों ज्यादातर भाई बहन इस तरीके के कमेंट कर रहे थे कि सर जो आवेदन पत्र है उसमें बहुत सारी कमियां हैं। दोस्तों शासन ने ही, प्रशासन ने खुद से अपडेट करके आपके सामने प्रस्तुत किया है। और अगला हम लोग पैराग्राफ देखते हैं। प्रश्नगत प्रकरण में अवगत कराना है कि ग्राम पंचायत स्तर पर ग्राम प्रधान सचिव द्वारा आवेदन पत्र प्राप्त किया जाएगा। विकासखंड एवं जनपद स्तर पर जिलाधिकारी, मुख्य विकास अधिकारी द्वारा आवेदन पत्र प्राप्त करने वाले अधिकारी कर्मचारी को नामित कर दिया जाए। उक्त के साथ ही शासनादेश दिनांक 25 जुलाई 2021 द्वारा उपलब्ध कराए गए आवेदन पत्र के प्रारूप में कतिपय संशोधन किए गए हैं। दोस्तों बहुत बड़ा संशोधन किया गया है जो 25 जुलाई का आवेदन पत्र जारी किया गया था। तो इस आवेदन पत्र को इस वीडियो में आप लोग अंत तक जरूर देखिए ताकि आपको बिल्कुल डिटेल मिल सके कि क्या चेंजेस किए गए हैं। अगला पैराग्राफ देखते हैं। उक्त वर्णित स्थिति में अनुरोध है कि शासनादेश दिनांक 25 जुलाई 2021 द्वारा उपलब्ध कराए गए आवेदन पत्र के प्रारूप में संशोधन करते हुए संशोधित आवेदन पत्र का प्रारूप संलग्न कर आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित करें, तदनुसार आवश्यक कार्यवाही कराने का कष्ट करें। संलग्नक उक्तानुसार, जिस तरीके से ऊपर एक्सप्लेन किया गया उसका संलग्न नीचे है। और भवदिया ये किंजल सिंह निदेशक पंचायती राज उत्तर प्रदेश के हैं, इनके द्वारा ये शासनादेश जारी किया गया है। वीडियो में कहीं भी कोई डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए। अब हम लोग चलते हैं उस आवेदन पत्र के तरफ जो आवेदन पत्र संशोधित करके अभी 29 जुलाई को जारी किया गया है। तो दोस्तों ये आवेदन पत्र का प्रारूप है, आप लोग बिल्कुल मत घबराइए। इस आवेदन पत्र को मैं सीधा अपने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहां से जाके आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं। तो हम लोग एक बार और डिटेल में जो संशोधन हुआ उसको हम लोग देख लेते हैं। जैसे कि पंचायत सहायक ऑब्लिक अकाउंटेंट कम डेटा एंट्री ऑपरेटर पद हेतु आवेदन पत्र संलग्नक 2 है, पहले संलग्नक 1 आया था, अब उसी को अपडेट करके संलग्नक 2 दिया गया है। दोस्तों आपको ध्यान होगा कि पहले वाले आवेदन पत्र में फोटोग्राफ मांगा गया था, लेकिन वो फोटोग्राफ भी पासपोर्ट साइज का था और ये भी फोटोग्राफ पासपोर्ट साइज का है। आवेदित ग्राम पंचायत विकास खंड, जिस ग्राम पंचायत में आप अप्लाई कर रहे हैं उसका नाम यहाँ पड़ेगा और फिर उसके बाद किस विकास खंड में आप आवेदन कर रहे हैं उसका नाम यहाँ पड़ेगा। आवेदक का नाम सेम है, पिता का नाम पिछले वाले भी आवेदन पत्र में था, माता का नाम, जन्मतिथि हाई स्कूल के अंक पत्र के अनुसार।
आयु 1 जुलाई 2021 तक कितने वर्ष कितने महीने और कितने दिन के आप हो चुके हैं, ध्यान रहे 1 जुलाई 2021 तक काउंट करना है। नंबर 6 लिंग, महिला पुरुष एवं अन्य। श्रेणी, यदि आप अनुसूचित जनजाति से अनुसूचित जनजाति पर टिक करेंगे, यदि आप अनुसूचित जाति से अनुसूचित जाति पर टिक करेंगे, अगर आप ओबीसी हैं अदर बैकवर्ड क्लासेज हैं तो पिछड़े पे क्लिक करेंगे, अगर आप सामान्य हैं जनरल हैं तो सामान्य पे टिक करके आवेदन पत्र को फिल करेंगे। नंबर 8 अस्थायी पता। दोस्तों जो भी आपका अस्थायी पता है और पत्र व्यवहार का पता ज़्यादातर सेम होता है उस चीज़ को भी यहाँ आप मेंशन करेंगे। मोबाइल नंबर आप डालेंगे ताकि आपके मोबाइल नंबर पर अधिकारियों के द्वारा ये या फिर कोई भी सरकारी शासनादेश जारी हो आपको मोबाइल के माध्यम से संपर्क किया जा सके। नंबर 11 शैक्षिक योग्यता उच्चतम शिक्षा तक प्रमाण पत्र के साथ प्रमाण पत्र जरूर संलग्न करें। ये आपको दिख रहा दोस्तों, आप अपने सर्टिफिकेट्स को जरूर स्वहस्ताक्षरित करके इसमें जरूर अटैच करें, तभी आप वैलिड या वैध माने जाएंगे। 11th पॉइंट हम लोग देखते हैं, 11th पॉइंट में क्या लिखा गया है। हाई स्कूल, सबसे पहले आप हाई स्कूल का बोर्ड किस विश्वविद्यालय से है, विषय पूर्णांक प्राप्तांक श्रेणी प्रतिशत सब कुछ लिखेंगे, फिर इंटरमीडिएट की डिटेल देंगे कौन सा बोर्ड था, विषय क्या था, पूर्णांक प्राप्तांक श्रेणी और प्रतिशत। ठीक उसी तरीके से अगर आप स्नातक हैं परास्नातक हैं उसकी भी डिटेल आगे के क्रम में ऐड करते आप लिख सकते हैं। नंबर 12 कार्य का अनुभव वर्ष में अंकित करें। अगर आप CCC आपके पास डिप्लोमा है या फिर आप जन सेवा केंद्र ऑलरेडी चला रहे हैं तो आप अपने कार्य का अनुभव अपने एक्सपीरियंस को शेयर करेंगे, वो वर्ष में लिखेंगे, क्या वो 1 है, क्या वो 2 है या फिर क्या वो 3 है, यानी यहाँ 1, 2 या फिर 3, इस तरीके से आप कितने वर्ष आपने इस काम को किया है उसको भी यहाँ मेंशन करेंगे। नंबर 13 बहुत ही महत्वपूर्ण है, COVID-19 से मृत व्यक्ति के वारिशन के रूप में आवेदन किया जा रहा है हाँ या नहीं। मान लीजिए आपके पापा हैं या मम्मी हैं, जो भी आपके गार्जियन थे, उनकी अगर डेथ हो गई है COVID-19 से तो वो यहाँ भी आप टिक करेंगे, अगर हाँ तो हाँ, अगर नहीं तो नहीं। मृतक का नाम लिखेंगे, मरने वाले का नाम क्या है, आवेदक का मृतक से संबंध, जो अगर आप आवेदक हैं आपका जो भी आपके घर में COVID-19 से गुजर गए हैं या मर गए हैं उनसे आपका क्या संबंध, पति पत्नी या पति पुत्र, अविवाहित पुत्री, विवाहित विधवा पुत्री, विधवा माता, अविवाहित भाई या अविवाहित बहन। दोस्तों ये कॉलम बिल्कुल अलग से ऐड किया गया है, बिल्कुल डिटेल में एक्सप्लेन कर दिया गया है कि किस तरीके से आप इसको कॉलम को टिक करेंगे। मृत्यु की तिथि, मृत प्रमाण पत्र संलग्न करना होगा आपको, मतलब कब उनकी डेथ हुई है या कब आपके अभिभावक की मृत्यु हुई है उसका मृत्यु का डेथ सर्टिफिकेट भी यहाँ अटैच करेंगे। स्वहस्ताक्षरित रिपोर्ट, एंटीजन RT-PCR सिटी स्कैन ब्लड टेस्ट रिपोर्ट संलग्न करें, रिपोर्ट की तिथि क्या है। दोस्तों सरकार इतने आसानी से नहीं मानने वाले क्योंकि आपको सरकार नौकरी देने जा रही है, तो आप मृतक व्यक्ति का एंटीजन RT-PCR सिटी स्कैन ब्लड टेस्ट इन सभी का रिपोर्ट भी आप स्वहस्ताक्षरित करके संलग्न करेंगे और रिपोर्ट की तिथि भी मेंशन करेंगे कि इस ये रिपोर्ट इस डेट में आया था और इनकी मृत्यु इस डेट में हुई, मृत्यु का प्रमाण पत्र भी आप अटैच करेंगे। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ आपको ये आपको बड़े अच्छी तरीके से पता चल गया होगा, जो भी आवेदन पत्र संशोधित रूप से जारी किया गया है। आपको एक घोषणा पत्र भी देना है, उसमें लिखा प्रमाणित किया जाता है कि मेरे द्वारा आवेदन पत्र में भरी गई सूचना सत्य है, मेरे द्वारा दी गई सूचना असत्य पाए जाने पर तथा आवेदन अपूर्ण पाए जाने पर मेरी प्रार्थना पत्र निरस्त किए जाने की दशा में मुझे कोई आपत्ति नहीं होगी, भरी गई सूचना से संबंधित दस्तावेज संलग्न है, आवेदनकर्ता के हस्ताक्षर और दिनांक। मान लीजिए आप आज भर रहे हैं तो आप अपना साइन करेंगे और आज की डेट जानेंगे। प्राप्ति रसीद, ग्राम पंचायत, विकास खंड, जिला पंचायत, राज अधिकारी, प्राप्तकर्ता के हस्ताक्षर एवं मुहर, दिनांक 20। दोस्तों ये जो प्राप्ति रसीद है यहाँ से आपको जिस भी अधिकारी के पास आप जमा करेंगे, मान लीजिए DPRO कार्यालय में जमा करते हैं या फिर ग्राम प्रधान के पास या फिर विकास खंड अधिकारी के पास जमा करते हैं, तो वहाँ से ये आवेदन पत्र आपको सीधा वेरीफाई करके आपको स्टाम्प लगा के जो भी प्राप्तकर्ता होगा उसे हस्ताक्षर और मुहर लगा के उनका नाम और दिनांक लिख के वो आपको रसीद फाड़ के आपको दे दिया जाएगा, यानी आप बिल्कुल 100% बेफिक्र हो जाएंगे कि हाँ मेरा आवेदन पत्र जमा हो चुका है। दोस्तों इस वीडियो में कोई डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए, मैं हर एक कमेंट को पढ़कर बखूबी जवाब देता हूँ। बाकी इस तरीके के जो भी सरकारी शासनादेश आते हैं मैं समय समय पर अपडेट करता रहता हूँ इस अपने YouTube चैनल पर, तो उम्मीद करूंगा अगर आप लोग मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए और घंटे का बटन दबाना ना भूलिए ताकि मेरे द्वारा अपलोड की जाने वाली हर एक वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंच सके। वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों यू कैन अन YouTube चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए दबाएं सब्सक्राइब का बटन और घंटी का बटन जरूर दबाएं।